मरवाही में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगांव के मोतिमपुर में उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए तंत्र मंत्र किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैं फिर भी चुनाव लड़ूंगा। साथ ही ये भी कहा कि मरवाही जोगी परिवार का गढ़ नहीं, घर है। स्वराज संवाददाता वैभव पांडे ने अमित जोगी से खास बातचीत की। बदल डाला, रातों रात कानून बदल डाला, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। ये किसी हद तक भी जा सकते हैं मुझे चुनाव के मैदान से उतरने में रोकने के लिए। और जब सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो मुझे पता चला है कि कल जो मेरे परिवार को विशेष प्रेम करते हैं वो सज्जन बिलासपुर में मोतिमपुर में जाकर तंत्र मंत्र करवा रहे थे मेरे खिलाफ। पर मेरे पिताजी ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही है कि जिसके ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद मेरे साथ है और इसलिए मैं इन सब हथकंडों से बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से मैं निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। मरवाही उपचुनाव 2020 चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। जेएससीसी जे और भाजपा के प्रतिनिधियों ने कड़े तेवर दिखाए। जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए कि निष्पक्ष चुनाव कराने की उन्होंने मांग की है। जेएससीसी जे अध्यक्ष अमित जोगी ने ये मांग की है। कलेक्टर डोमन सिंह को बदलने की भी मांग की गई है। कलेक्टर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की तरह काम करने का आरोप लगाया गया है।